स्वागत है गणपति थोड़ा हट के पार। दोस्तों, आज हम दो ऐसी लोग के बात करने वाले हैं जो अंधुनी अंग के कारण पीड़ित थी। दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो नीचे दिए गए लाल वाले रंग को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी रोचक वीडियो के साथ अगवा कर सके। चलिए आप शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार हमें स्वास्थ्य संबंधित छोटी छोटी परेशानियाँ होती रहती है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि दोस्तों, कई बार ये बड़ा रूप लेते हैं। दोस्तों, दक्षिण चीन के बेहिग इलाके में रहने वाले 51 साल का खास वहाँ के पीपल हॉस्पिटल में पहुँचा। उसने डॉक्टर्स को बताया कि पिछले 10 दिनों से लगातार उनकी नाक से खून बह रहा है। पहले उसे लगा कि ऐसा गर्मी की वजह से हो रहा है, लेकिन जब डॉक्टर्स ने चेकअप किया तो उनके होश उड़ गए। हॉस्पिटल के एनिटी स्पेलिस्ट डॉक्टर लियू ने कहा, हमने उनकी नाक में दाहिनी ओर देखा तो हमें कई चीज नजर आए, फिर वो गायब हो गए। कुछ देर बाद बाई ओर दिखाई दी, नाक की एंडोस्कोपी में साफ हो गया कि ये 1-2 इंच का जोक थी। डॉक्टर ने बताया कि जोक खास के नाक में लगभग 2 हफ्ते से रह रही थी। दोस्तों, वीडियो को देखते हुए आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, एक और ख़ास लोग की बात करते हैं। चलिए, जानकारी के अनुसार चीन के रहने वाले एक युवक ली के कुछ दिनों से कान में खुजली हो रही थी। साथ ही ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके कान के अंदर कुछ हलचल हो रही हो। पहले तो ये एक छोटी समस्या समझता रहा, परंतु जब काफ़ी दिनों तक कोई आराम नहीं मिला तो वो एक डॉक्टर के पास गया। दोस्तों, जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप की मदद से ली के कान को देखा तो डॉक्टर खुद हैरान रह गए। डॉक्टर ने बताया कि ली के कान के अंदर एक जीवित मकड़ी है जो कान के अंदर अपना घर बसाने की तैयारी कर रही है और लगातार जाल बुन रही है। इसी वजह से ली के कान में कुछ हलचल जैसा महसूस होता है, जिसके बाद डॉक्टर ने नमकीन खोल के कुछ बूंदे कान के अंदर डाली गई और फिर मकड़ी को बाहर निकाला। दोस्तों, दोनों मामले को देखते हुए हमारी आपकी यही राय है कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की परेशानी आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों, इन दोनों मामले को देखते हुए आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।